नमस्कार, मैं मानसी सुरवे गावंडे, संयुक्ता काळे की कोच. संयुक्ता नेशनल गेम्स में आज ऑल अराउंड में फर्स्ट है. चारों एमेटर्स में उसका जो स्कोर है वो फर्स्ट ही है चारों एमेटर्स में. और अच्छा किया उसने. थोड़े बहुत मिस्टेक्स हुए उससे, बट आई एम श्योर वो एमेटर्स फाइनल्स के लिए वो कवर अप करेगी. और संयुक्ता में जो चीज़ अलग है बाकी जिमनास्ट से, जो उसका इतना स्कोर्स में डिफरेंस आ रहा है दूसरे जिमनास्ट के स्कोर्स से, वो इस वजह से है क्योंकि उसका बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर करवाया था हमने. बेसिक्स क्लियर होने के वजह से उसको जो इजीली ग्रास्पिंग हो रहा है बाकी सब चीज़ों में, जैसे एपरेटर्स हैंडलिंग है या उसके एलिमेंट्स जो हो रहे हैं विद अ गुड एग्जीक्यूशन, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द बेसिक्स दैट वी हैव वर्कड ऑन. मैं सारे जिमनास्ट को ये कहना चाहती हूँ कि सारे जिमनास्ट में अपनी खुद की एबिलिटीज होती है, जो डिफरेंट एबिलिटीज होती है. सो द मंत्रा फॉर सक्सेस इज, आई फील आप में जो कमियां है उसको आप ढूंढ के निकालो और उसको आप रेक्टिफाई करते जाओ. क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने स्ट्रेंथ्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको एक चीज अच्छी से आ रही है और वही चीज आप करते बैठ रहे हैं, तो जहां पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जहां होना चाहिए वहां पे आपका फोकस नहीं जा रहा है. और अगर आप इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं उस वीकनेसेस में, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं. आपका सक्सेस सिर्फ इसी चीज पे बेस्ड है कि आप आज खुद से कैसे डेवलप हो रहे हो. जो आपका कल का परफॉर्मेंस था उससे आपका आज का परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए. और हमेशा जो आप में कमियां है उसको आप रेक्टिफाई करते जाओ, यही सक्सेस मंत्रा है. और इसके साथ कंसिस्टेंसी ऑफ कोर्स. स्पोर्ट्समैन को बहुत ही स्ट्रांग माइंड होना चाहिए, स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए. उसके सिवा आप आगे नहीं जा सकते स्पोर्ट्स फील्ड में. सो दीज आर द थिंग्स दैट एवरी स्पोर्ट्स पर्सन शुड टेक केयर ऑफ. एंड आई विश ऑल द प्लेयर्स ऑल द बेस्ट एंड आई विश देम सक्सेस. थैंक यू.